हेलो फिर वही बात, माफी मांगते मेरी जूती। मुनीब भाई क्या हुआ? कुछ नहीं यार, गर्लफ्रेंड का फोन था। कहती है औरतों की जिंदगी मर्दों से ज्यादा मुश्किल है। मैंने भी सुना दिया आगे, कहती है अल्लाह करे सब मर्द औरतें बन जाए। चल यार मैं सोने लगा हूँ, साफ सो जा। थैंक यू। आंसू यार बेल बची है, चेक करेगा कौन है। ओके डार्लिंग। आंसू? आंसू नहीं, आंसी। What's up guys? Episode lucky number 7. That's how I'm wasting my life. ये बात सच है कि अगर किसी के साथ बुरा करो तो आपके साथ भी बुरा होता है, लेकिन अगर किसी की आग लग जाए तो ये सबसे पैड़ा होता है। अम्मा वो आंसू उठ गए हैं नवाबजादे। अब्बा बाप सारा दिन किचन में काम करता रहे और बेटा मजे से सोया रहे। अपनी माँ को देखो, सारा दिन ऑफिस में काम करती है, तुम भी कॉलेज चले जाया करो। ये क्या हो रहा है? उफ इतनी मुश्किल ऑप्शंस। ये वाला ब्लैक पेन हूँ कि ये वाला? क्लास का टाइम भी शुरू होने वाला है। ओह शिट, जाने से पहले थोड़े टचअप्स दे दूं। अब ठीक है। करीम आपका कैसे गाड़ी चलाना हुआ? बस जी, बीवी सारा दिन नशा करके मुझे और बच्चों को मारती थी। घर की आमदनी फिर मुझे चलानी पड़ी। अच्छा यहाँ से ना यहाँ हो जाए। मुंह से बोले जी। ओ मतलब लेफ्ट, ये राइट होता है। ओ मतलब राइट, ये लेफ्ट होता है। कितने पैसे हुए आपके? 550 हो गए। इतने ज्यादा? मैं सिर्फ 60 रुपए दूंगा। उस्मान मैं कॉलेज आऊंगा, तुम गाँव? मैं यहाँ हूँ। ओह शिट, हमारे 100 में से सिर्फ 10 नंबर आए हैं। यार फिक्र मत कर, अभी नंबर बढ़ा के आता हूँ। मैम आप कितनी हैंडसम लग रही हैं, प्लीज हमारे नंबर बढ़ा दीजिए प्लीज। थैंक यू मैम। मुनीब वो नई लड़की तो मैं देख रही है, उधर मत देखी, तरसने दे उसे। मुनीब वो 4th ईयर की लूजर भी तुम्हें देख रही है। ओए लड़की तुम्हारे घर बाप भाई नहीं है? ला ला ला। ओए उस्मान आज की सेल्फी लेना तो हम भूल ही गए। आज दोनों अपना आधा मुंह काटें। लड़की बन के एक जोड़ा दूसरी दफा पहन लो तो कोई माफी नहीं, पर लड़का बन के एक ही शर्ट हफ्ते में 7 दिन भी पहन लो तो माफी ही माफी। अब्बू मैं घर आ गया, आए मैं आपको कॉलेज की सारी स्टोरियां सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, टीवी लगा के देखते हैं बस 2 मिनट में। सुसर जी आखिर क्यों? यार समाज जी घर में कुछ होता ही नहीं करने को, तो सोचा तुम्हारी जिंदगी ही खराब कर दूं। मेरे बेबी ने थाना थाया। सुनो सना मैं तुम्हें अपनी सेल्फी भेज रहा हूँ, देख के डिलीट कर देना। मुझे पता है तुम व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन हो, मुझे पता है तुम फेसबुक पे ऑनलाइन हो, मुझे पता है तुम इंस्टा पे भी ऑनलाइन हो, जीमेल पे भी ऑनलाइन। मुझे पता है हम 5 साल से साथ थे, पर अम्मी ने कहा इस्तिखारा सही नहीं आया, सो बाय। अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो दुआ करो मैं मर जाऊँ। लड़की बन के एक फायदा तो हुआ कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में लॉजिक नहीं डालनी पड़ती थी, पर एंड में आर्ग्यूमेंट जीतना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर वो दिन आया कि मुझे भी कटहरे में खड़ा होना पड़ा। अल्लाह करे मेरी शादी माधुरी दीक्षित से हो। सुनो आज से मैं लड़की वाले देखने आ रहे हैं, जरा ढंग का तैयार हो जाना। जी अब्बा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। आपने इसके हाथ के लगता चाय नहीं पी, पिए ना। बहुत खूब बेटा, जरा घूम के दिखाना, नाच के दिखाओ। ता धक धैया धक। दांत दिखाओ। नहीं बस चेक कर रहा था कि लड़का दोंदा तो नहीं है। बेटा मेरी बेटी को भी तो देखो ना, माधुरी। बाकी सब तो ठीक है, बस लड़का थोड़ा थत्था है। या देखो मजाक अपनी जगह, थत्था नहीं हूं मैं। फेसबुक यूज करता हूँ। अली का बेटा कितना क्यूट है। हैशटैग चाचू की जान। मुनीब आज ऑफिस में लेट सिटिंग है। एक्सक्यूज मी सर, वो 6 बज गए, मेरा भाई रिक्शा आ गया, बाय। साइडों से थोड़ी सी लेंथ कम करनी है। कितने हो गए? ये लेंथ। जितने पैसों में लड़कियों के एक दफा बाल कटते हैं, उतने पैसों में मैं तो एक ईद से दूसरे साल की ईद तक बाल कटवा लूँ, और तब भी हर बार घर जाते हुए सोडा पीने के भी पैसे निकले। गाड़ी की ब्रेक कहाँ होती है? ओह शिट। पुलिस वाले भाई मैं शहर का नहीं हूँ, अभी भी इस्लामाबाद से आया हूँ। बेटा अपने मंगेतर को एक दफा कॉल ही कर लो। अब्बा जब तक वो कॉल नहीं करेगी मैं भी नहीं करूंगा। अब्बा कॉल आ गई। हेलो आई लव यू टू। अब्बा बशीर अंकल का फोन है। जाओ बेटा अब ससुराल जाके मनुष्यत फैलाना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मुश्किल दिन था। बेगम आप घर आ गई? आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। बेगम आपको ऑफिस में कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो इस ड्रामे में सना भी चक्कर चला गया तो मैंने सोचा ला 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 ला, ला। ये आपके हाथ में क्या है? डार्लिंग डिलीवरी। और अच्छा आपने कुछ मंगवा लिया, मैंने खाना भी नहीं बनाया हुआ था। नहीं नहीं, मार्च में तुम्हारी डिलीवरी। एक बात तो साबित हुई कि लड़कियों की जिंदगी भला लड़कों से मुश्किल हो ना हो, उनसे ज्यादा टेंशन वाली डेफिनेटली है। हेलो बुशरा, मुझे माफ कर दो, मैं लड़कियों के बारे में गलत था। लड़कियों की जिंदगी लड़कों से ज्यादा मुश्किल है। थैंक यू, तुमने मुझे माफ कर दिया। वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ला 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 ला। प्यारे बाबू, कोई 50-100 का नोट दे के जाना, पीछे हट। अल्लाह करे तुम भी हमारा दर्द महसूस करो।